हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल। तो हम जा रहे हैं रीवा वाटरफॉल, आया था आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में। तो हम जा रहे हैं अपना सोलन टू चंडीगढ़। तो कोशिश तो यही करेंगे कि एक ही बारी में फटाफट पहुंचे बिना ब्रेक मारे। वैसे तो अपने पास चाय वगैरह भी पड़ी है अभी, तो मन भी ये है कि भाई एक बार रुक के चाय पियेंगे। बाकी जगह देखो कितनी ऑफ रोड टाइप है, ठीक है। रीवा वाटरफॉल जरूर आए यार, मस्त जगह है, औसम जगह एकदम। और बाकी बढ़िया लगा यार, आज का दिन पूरा वसूल हो गया अपना। एक्चुअली क्या हुआ कि हम थोड़ा सा गलत चले गए थे, थोड़ा सा भटक गए थे, तो उस चक्कर में 5 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा हो गया, 5 से 8 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हमने गूगल मैप्स पे देखा है ठीक से, ठीक है। तो रीवा वाटरफॉल से रास्ता जाता है चंडीगढ़ के लिए, तो उससे जा रहे हैं हम। और ऐसे तो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है, ऑफ रोड वाले। बट जो टायर डलवा रहे हैं इस पर तो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार, जबकि हम दो बंदे बैठे हैं और कोई स्लिप नहीं, कुछ नहीं। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ टायर से। जी है, जे के टायर ब्लेज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार, हद से ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं। मतलब कोई स्लिप नहीं है इसके अंदर, एकदम मजबूत पकड़ है रोड के साथ, रास्ते के साथ, ठीक है। तो बढ़िया, मज़ा आ गया। बाकी देखते हैं कितनी देर तक हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं। जब मेन हाईवे आ गया तब तो चलो पूरी हम जान लगा देंगे, स्पीड खींच देंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचेंगे। तो नोटिस करते हैं कितनी देर तक पहुंचते हैं। तो गाइस यार, लोकेशन देखो कितनी औसम है। वैसे तो हम यार सीधी सी बात है, हम ना मेन ट्रैवल को एंजॉय करते हैं, जो रास्ता था ना उसको एंजॉय करते हैं। हमें मतलब पहुंचने से भी मतलब होता है कि कहाँ पहुंचना है, बट हम मेन तो हम जर्नी को एंजॉय करते हैं, ताकि हम ठीक है एकदम मस्त रहे, चिल्ड रहे, क्योंकि चिल करने तो आए हैं। और अभी ना कहीं रुक के हम चाय पियेंगे यार, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है, चेक करते हैं चाय कितनी बड़ी है। और हम घर से सब कुछ ले गए थे, डिस्पोजल, थर्मस, बिस्किट्स मैं तो ले कैरी करता हूँ, क्योंकि रास्ते में कभी कभी डॉग्स दिख जाते हैं तो उनको डाल देता हूँ। तो भाई आप देखो यार, देखो कितना ऑसम व्यू आ रहा है यार। तो ये वाले व्यू देख के ना पॉजिटिवनेस आती है एकदम, ठीक है। और आंखों को भी अच्छा लगता है देख के, हरियाली देख के। और जब भी ऐसे कोई ना अपना क्या कहते हैं यार, ये ब्लाइंड कर्व होते हैं, तो हॉर्न जरूर मारे जितना सकते, तो फालतू हॉर्न मारे, ये कुछ नहीं बताता आगे से क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ रुके हैं एक बढ़िया सी जगह देख के। और यार जो टायर्स ने जो परफॉर्मेंस दिया ना गाइज यार, ठीक है। तो जेके टायर है, जेके ब्लेज। और यार मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला टायर, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, जो चल रहे हैं। दो बंदे बैठे हैं यार हम, हैवी से। मेरा 75 किलो वजन है, सोनू का 70 किलो है। और फिर भी भाई देखो हर जगह चढ़ी है। मतलब यार जैसे भाई खरीदी थी ना मैंने, तब भी इसने कभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी आज दे दी। तो टायरों की बदौलत है, 130mm का टायर है। और दमदार, अगर आपके पास पल्सर 120 है, 180 है, और आप सोच रहे हो बड़ा टायर डलवाने का, तो गो फॉर इट, जरूर डलवाएं। तो अभी थोड़ा चाय चुई पीते हैं यार, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थंबनेल वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमने सोलन बाईपास क्रॉस कर लिया, और जो चंडीगढ़ है यहाँ से है 70 किलोमीटर पे। डोगी देखो कहाँ पे खड़ा, देखो खतरनाक ही है डोगी भी। तो 70 किलोमीटर देखते कितने टाइम में हम कवर करते हैं, तो बाइक भगानी पड़ेगी अच्छे से। तो भाई व्यू देखो कितना औसम व्यू आ रहा है। और यहाँ पर है अनाज मंडी, ये सोलन की अनाज मंडी है ये, ठीक है। और ये पूरा सोलन का माहौल देखो कितना औसम है, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो गाइस हमारी फेवरेट जगह आ गई, ठीक है। ये है टनल, अटल टनल तो नहीं है, बट एक टनल है अभी बनी है, और भगाएंगे रील बनाएंगे।
तो काफ़ी मज़ा आया, ठीक है, और अच्छा लगा यार, देर बाद रिकॉर्ड कर पाया इसे। और अब सोनू भाई बाइक चलाएंगे, ठीक है, हम पीछे मज़े से बैठेंगे। पिछवाड़ा जाम हो गया भाई, बैठे बैठे हिल भी नहीं पा रहा है, पीछे पीछे तो और होएगा वो यार। बताओ यार, तो यार बाइक ना बहुत सही परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे मैंने बाइक ब्रांड न्यू बाइक की थी ना, तो वैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। अब क्लच प्लेट वगैरह इसका कुछ नहीं है अब तक, मस्त पिकअप है और बढ़िया है। चलो भाई चलो, बाकी थोड़ी सुबह से चला रहा हूँ तो थोड़ी रेस्ट बनती है। सोनू भाई बाइक चलाएंगे, बताएंगे कैसी परफॉर्मेंस मिली बाइक से। वो टाइम थोड़ा लेट हो ही गया एक्चुअली, बस थोड़ा भटक गए थे हम, थोड़ा ट्रैफिक जाम था। और सोलन में ना जो मॉल रोड था वहाँ ना लोगों ने, जो शायद मार्केट वाले थे, उन्होंने ना रोड बंद की हुई थी। उन्होंने बोला हमें कि उल्टा दूसरी रोड से घूम के जाओ, तो उस चक्कर में वो टाइम लग गया। मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने रोड क्यों बंद की थी यार, मतलब लोगों को परेशानी हो रही थी यार। हम टूरिस्ट है आ रखा गूगल मैप्स देख के, तो परेशान ही हुआ हम तो परेशान ही हुए। टूरिस्ट लोग परेशान ही होंगे ना, और उन्होंने कहा घूम के जाओ उल्टा से जाओ, 200 किलोमीटर और एक्स्ट्रा पड़ गया हमें, टाइम और ख़राब हुआ। तो वही बात है, बाकी बाइक तो एकदम मस्त चल रही है अभी यार। कुछ फ़र्क लगा बाइक में भाई? एकदम एक नंबर है, एक नंबर ऐसी चल रही है भाई। लग नहीं रहा बाइक चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कंफर्ट और इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है ना। अच्छा, हाँ चोटर का ये फायदा होगा कि थोड़ी झुकती है ना तो पकड़ सी रहती है सीमेंट के साथ। ओके गाइस, यार ये व्यू बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे अब इन व्यूज से मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ, अब आज मैंने देख लिया ना सोलन के व्यू देख लिए, तो वो व्यू थोड़े अच्छे दिखने लग रहे हैं। धीरे धीरे उसके आगे के व्यू हम कवर करेंगे। तो एक्चुअली मेरा मेन मकसद था कि भाई चंडीगढ़ के आसपास की जगहों को कवर करूँ, और मैंने लगभग ना चंडीगढ़ के आसपास जो हिमाचल में जगह पड़ती है वो मैंने ख़त्म कर दिया। मतलब जो 70 किलोमीटर के रेडियस में जगह आती है ना, सब ख़त्म कर दिया। तो अब हमारा मकसद है जो 100 किलोमीटर के बाद जगह आएगी ना, अब नेक्स्ट सीरीज में ना आपके लिए वो कवर करेंगे। तो धीरे धीरे बस अब हमारे लिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आएगा। और बाइक मेरे को पीछे बैठ के पास चल रही है, थोड़ी ज़्यादा लीन कर रही है एक्स्ट्रा, क्योंकि अब पैर थोड़े चौड़े हैं, झुक रही है और कॉन्फिडेंस बना हुआ बाइक के ऊपर। तो बढ़िया है यार, अब बाइक चेंज नहीं करेंगे, यही रखेंगे। और आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है, ठीक है, मतलब ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग ही है, बाइक और गाड़ी से रिगार्डिंग ही है। तो समझ जाओ आप क्या आने वाला आपके लिए, एक नेक्स्ट लेवल का ही कंटेंट आएगा। तो बढ़िया है यार, और हमने अपना काफ़ी फूड कैरी किया था घर से बना हुआ, तो उससे क्या हुआ हमारी काफ़ी सेविंग हुई। अगर आप हमारी वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आप कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा ट्रैवल कैसे कर पाओगे। तो व्यू देखो यार, कितना ऑसम व्यू आ रहा है। भाई पीछे बैठ गया तो और पिछवाड़ा दर्द हो रहा था, तो बट ये कि चलो रात को नींद अच्छी आ जाएगी पिछवाड़ा दुखवाने के बाद। तो चलते हैं, बस पहुँच ही गए हम। तो मैं सोनू भाई को घर पे ड्रॉप कर दूंगा और अपने घर चल जाऊंगा और रेस्ट करूंगा। और तो वीडियो अच्छी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।